अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। मेरे पास बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी कि अचवानी बनाना सिखाएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हेल्दी रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करूं बहुत ही क्विक से वे में। तो इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले आप लोग वो नोट कर लें। यहाँ पर मेरे पास हैं ड्राई नट्स, जो जो आपके पास अवेलेबल हों। मैंने ले लिए हैं बादाम, पिस्ते, काजू, ये मेरे पास हैं सफ़ेद तिल। यहाँ पर मेरे पास है चारों मगज़। ये है मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट, अगर आप लोग साबुत यूज़ करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास मखाने। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है खशखश। ये है मेरे पास किशमिश। ये है मेरे पास छुआरे, जिनको मैंने रफ काट लिया है। चीनी है हसबे ज़रूरत, जितनी आप लोग इस्तेमाल करें। थोड़ी सी ज़ाफ़रान हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है देसी घी, इलायची, और ये मेरे पास है फ्रेश मिल्क। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ड्राई नट्स हैं, किशमिश और छुआरों को छोड़ के, मैं इन सारे जो ड्राई नट्स हैं इनको कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लूँगी। और फिर पीसने के बाद इसको क्या करना है वो मैं आपको बिल्कुल बाद में बताऊँगी जी। तो जो ड्राई नट्स थे वो सारे के सारे मैंने पीस लिए हैं। मैंने दरमियाना पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक इनको मैंने नहीं किया। और ये देख रहे हैं कि सारे के सारे यहाँ मिक्स हो गए हैं। और साथ ही अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि जो डेसिकेटेड कोकोनट था मेरे पास वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास है किशमिश, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और उसी के साथ ये जो छुआरे थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और फिर मिक्स करने के बाद हम इसको एक जार में, एयर टाइट जार में भर के फ्रिज में रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। आराम से ये इस्तेमाल हो सकती है। जब आपको ज़रूरत हो आप इसमें से निकालें और इसका जो है वो कुकिंग करके इसको तैयार कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो देखे नट्स थे वो इस तरह से तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको बहुत बारीक नहीं पीसा, दरमियाना सा मैंने पीस लिया है। ठीक है, अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के जितना घी शामिल करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची। ये देखें, घी और इलायची को जो हमने पकने रखा था बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ कि ये जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था, अच्छा जितना आपको ज़रूरत हो उतना मिक्सचर आप इस घी के अंदर डालें और जितना बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा बना रही हूँ, तो ये मैं डालूंगी इसके अंदर और इसको मैं हल्का सा सौते करूंगी। सौते करने का रीज़न ये है कि इसके अंदर जो है वो खशखश डली हुई है और सारे के सारे नट्स हैं, तो अच्छे से ज़रा घी में थोड़े से सौते हो जाएंगे, थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे मिल्क और इसको हम पकाएंगे। ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसको आप फ्रिज में रख के आराम से 15 से 20 दिन के लिए सेव कर सकते हैं। और जब भी जितनी ज़रूरत हो आप उसे निकालें और इसको इस तरह से पका के तैयार कर लें। इसको हम 1 से 2 मिनट बहुत अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए जी, मेवे और जो हमने खशखश डाली थी वो बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ मिल्क, साथ ही जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ज़ाफ़रान। अच्छा, ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, अगर आप लोग ज़ाफ़रान ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और शुगर, अच्छा चीनी का ये है कि आप अपने हिसाब से डालिएगा। कुछ लोग अगर इसमें चीनी नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन ये है कि चीनी डालें तो ये इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अप टू यू कि आपको कितना मीठा पसंद है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, आप गुड़ भी शामिल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। जी, तो अचवानी को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अच्छी खासी ये गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। और अब ये रेडी टू यूज़ है। यहाँ पे अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि इसकी फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ। आप लोग देखिए किस कदर खूबसूरत इसको कलर आया है और बहुत ही परफेक्ट इसका टेक्सचर है। बहुत ज़्यादा थिक इसको हमने नहीं करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की अचवानी की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। न्यू मॉम्स जो हैं, जो मुझसे फरमाइश कर रही थी, वो इसे ज़रूर ट्राई करेंगी और मुझे इसका फीडबैक देंगी। ये ना सिर्फ न्यू मॉम के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी ये डिश है, बहुत ही हेल्दी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा।
यहाँ पे हो चुका है मेरे जाने का टाइम, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करती रहिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।